आज इंसो की तरफ से छात्र संघ चुनावों को लेकर एक मुहिम शुरू की गई है और पंजाब यूनिवर्सिटी में दिग्विजय चौटाला पहुंचे हैं। सक्रिय छात्र नेता हैं और साथ ही साथ बखूबी जेजेपी की कमान भी संभाल रहे हैं। बातचीत करते हैं, किस तरह से देखते हैं आप छात्र संघ चुनाव जो है, अब आप चाहते हैं कि पूर्ण तरीके से हों, क्यों ऐसा लगा कि इसकी अब शुरुआत करनी चाहिए इस मुहिम की? नहीं, ये मुहिम तो 2003 में जब इंसो बनी थी तब से हम छेड़े हुए हैं, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत संघर्ष किया, आंदोलन चलाए, भूख हड़तालें की, यूनिवर्सिटी के गेटों पर ताले लगाए और हरियाणा सरकार को झुका करके दम लिया। पीछे चुनाव की हामी हुई, इनडायरेक्ट इलेक्शन भी हुए, कोविड के कारण आगे नहीं हो पाए। अब मैंने ये मांग की है हरियाणा सरकार से और उसके लिए स्टूडेंट्स के बीच में हम जाएंगे और पोस्ट कार्ड लेटर जो है वो सरकार को लिखेंगे। लाखों लाख स्टूडेंट्स अपने पोस्ट कार्ड भेजेंगे और उससे हरियाणा में, हरियाणा की सरकार में एक इस तरह का इम्प्रेशन बनेगा कि स्टूडेंट जागरूक हैं और वो छात्र संघ चुनाव की बहाली चाहते हैं। और जैसे हम पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ खड़े हैं, यहाँ पीसफुल चुनाव होते हैं और इन चुनावों से जो स्टूडेंट जीत के आते हैं, एक नई लीडरशिप उभरती है, यूनिवर्सिटी को यूनियन का बहुत फ़ायदा मिलता है और पैरेलल बॉडी, डेमोक्रेटिक बॉडी, फंडामेंटल जो अधिकारों को सुरक्षित करे, स्टूडेंट्स के इंश्योर करे, वो होता है। तो ये नर्सरी है आने वाले देश की, इस देश की नर्सरी को मजबूत हमने करना है। पंजाब विश्वविद्यालय से जितना सीखें उतना कम और हरियाणा में इसको इम्प्लीमेंट करें। इसकी रणनीति क्या रहने वाली है, किस तरह से आप यूथ तक पहुंच करेंगे, उनको किस तरह से इसमें लेके आएंगे? हर यूनिवर्सिटी का दौरा करूंगा और हमारी सारे कार्यकर्ता हर कॉलेज और हर क्लासरूम तक जाएंगे, सभी को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि अपने हस्ताक्षर के साथ पोस्ट कार्ड सरकार को भेजें और इस मुहिम से जुड़ें। दिग्विजय जी, आपने कहा कि हरियाणा सरकार को भी आप लोग इस बारे में लिखेंगे, चिताएंगे, पर आप लोग गठबंधन में हैं तो आपको नहीं लगता कि अगर बातचीत की जाए उनके साथ एक टेबल पर बैठ के, अगर इस बारे में? नहीं, हम बातचीत करेंगे, बातचीत अभी कोई बंद नहीं हुई है, बातचीत भी करेंगे, बातचीत चलती रहेगी, वो उस लेवल पर चलती रहेगी, मगर किसी मुहिम को खड़ा करना भी बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स की भावना भी उसके साथ जुड़नी चाहिए कि चुनाव होने चाहिए, वो भी पैरेलली हम करेंगे। डिप्टी सीएम की तरफ से दोस्ती संकल्प रैली भी की जाएगी, क्या उसका भी असर जो है वो छात्र संघ के जो चुनाव होंगे उस पर पड़ेगा कि आपके साथ यूथ जुड़ेगा? पर निश्चित तौर पर हम बैंड पहना करके लाखों लोगों को अपने साथ दुष्यंत दोस्ती संकल्प का वादा दिलाएंगे कि दुष्यंत आपके साथ अगले 50 सालों तक खड़े हैं और आप भी दुष्यंत जी का साथ निभाएं। विद्यार्थियों पर क्या असर पड़ेगा, मैं नॉर्मल विद्यार्थियों की बात करती हूँ जिन तक आप पहुँचेंगे और दूसरे जो आपके साथ इसमें आगे आएंगे, आगे आकर चुनाव लड़ेंगे, तो दोनों के भविष्य पर क्या जो है उनका फायदा होगा? विद्यार्थी जैसे राजनीति एक स्तंभ है, वैसे विद्यार्थी भी एक देश का स्तंभ है जिस पर इस देश का भविष्य टिका हुआ है और वो विद्यार्थी चौधरी देवीलाल जी के असूलों पर, उनके दिखाए पदचिन्हों पर चल करके एक मजबूत भारत बनाए। जो कृषि प्रधान देश है हमारा, उसमें किसान, गरीब, मजदूर की अगली पीढ़ी को आगे आने का अवसर मिले, सोशलिस्ट राजनीति को ताकत मिले, उसके लिए हम सदैव इनको प्रेरित करते हैं। मैं आज चाहे छात्र राजनीति में नहीं हूँ, 10 साल रहा, मगर मुझे ज़्यादा खुशी यहाँ आकर के होती है जब नौजवानों से मिलने का मौका मिलता है। आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे। क्या इन नौजवानों को जो आगे आएंगे उनको आगे राजनीति में भी बड़े पक्ष पर आने का, बड़े लेवल पर आने का मौका मिलेगा? आपको हैरानी होगी कि अपनी 70% टिकटें, लोग तो 50% की चर्चा करते हैं, हमने अपनी 70% टिकटें युवा को दी और आने वाले समय में भी मौका देंगे। बहुत से लोग जीत करके आए हैं, हमारे जुलाना से जो विधायक हैं वो छात्र इकाई के अध्यक्ष थे, हमारे मंत्री अनूप धानक जी हैं वो इंसो से पहले जो छात्र संघ था हमारा पुरानी पार्टी का, उसमें रहे, छात्र सभा नाम था उसका। तो हम सदैव प्रेरित करते हैं और मैं इसलिए कहता हूँ लीडर्स ऑफ टुमारो आर बॉर्न इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, तो हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। सवाल मैं आपसे लूंगी, 2024 में इलेक्शंस है तो कहीं ये उस लिए यूथ को अपने साथ जोड़ने की तैयारी तो नहीं है कि आप लोग चाहते हैं कि जेजेपी जो है और ज़्यादा सक्रिय हो? अगर यूथ ज़्यादा हमारे साथ होगा, जो कि है, तो उसका निश्चित तौर पर बेनिफिट हमें ही मिलेगा और पहले भी मिला। 17% जो वोट मिले उसमें से 80% मत जो है वो युवाओं का हरियाणा प्रदेश में दुष्यंत चौटाला जी के साथ, आगे भी उसको हम बढ़ाने का प्रयास करें। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ दिग्विजय चौटाला जो कि आए हुए थे आज पंजाब यूनिवर्सिटी में और छात्र संघ के चुनाव जो हैं वो बहाल होने चाहिए पूरे राज्य में, इसको लेकर के आज उन्होंने यहाँ पर बातचीत की है और इनका कहना है कि जो छात्र आकर जुड़ते हैं इस तरह राजनीतिक पार्टियों से, कहीं ना कहीं उनका भविष्य जो है वो राजनीति में भी बनता है और आने वाले भविष्य हैं ये भारत के, इसलिए ये जो युवा हैं वो सारे के सारे किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से इस तरह से जुड़ने चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शरद के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।